और वहीं जमशेदपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और इस दौरान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रभात ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भारतीय जनता पार्टी और अनुसूचित जाति मोर्चे के जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है, समीक्षा हुई है, आगामी कार्यक्रमों को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। मोर्चा आगामी 3 महीने के कार्यक्रम इसमें संपन्न करेगी और राजनीतिक प्रस्ताव भी लाएगी, साथ में रचनात्मक आंदोलनात्मक इस प्रकार के कुछ आंदोलन कुछ कार्यक्रम भी तय करेगी जो आने वाले समय में झारखंड मुक्त मोर्चा के खिलाफ दलितों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर उनके जो न्याय उनके जो अधिकार है संविधान के मुताबिक जो नहीं मिल रहे हैं उनको लेकर भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रही है, आने वाले समय में भी करेगी, ऐसी रणनीति कार्य समिति भी बनेगी। 2.5 साल की सरकार झारखंड मुक्त मोर्चा के कारण झारखंड के लोग त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, विकास ठप हो गया है, अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। के साथ प्रभात मीराम भारत जमशेदपुर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी हमारे साथ हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।